दोस्तों अभी हमने यहाँ पर कुछ कपड़े फुला दिए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो बाल्टी वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि ये बकेट है, इसमें अगर हम ऊपर नीचे देखेंगे तो सब दिखाई देगा। हाल फिलहाल में ऊपर देखेंगे ये जो फेना बन रहा है, आपको पता होगा कि फेना ऐसे ही बनता है। और क्या आपने ऐसा सोचा है कि इस फेने के अंदर क्या होगा? फेना ही फेना नीचे से ऊपर तक होगा। चलिए दोस्तों एक बार हम दिखाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं अभी नीचे जाते हैं। देखिए ये देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो बकेट है ट्रांसपेरेंट है और इसमें आसानी से आप देख सकते हैं जितने भी कपड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये समझें कि कभी भी जो ऊपर झाग बनती है, जो फेना होता है, वो नीचे नहीं होता है। जितने भी यहाँ पर कपड़े हैं सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पानी होता है जो निर्मा होता है, जो भी आप सर्फ डालते हैं, जो भी जैसा भी रहेगा, वो इस मैल को या इस गंदगी को काट देता है। वैसे आप देखेंगे तो ऊपर झाग है इस तरीके से, लेकिन वो कभी नीचे नहीं झाग बनती है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, या ये जानकारी पहले आपको पता थी तब भी आप लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।